ग्वालियर में मंगलवार को 1000 बिस्तरों के अस्पताल के भूमि पूजन को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जबरदस्त टकराव हुआ। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने करीब 500 भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिसमें सांसद अनूप मिश्रा भी शामिल हैं। दरअसल ग्वालियर में 1000 बिस्तर के अस्पताल का प्रोजेक्ट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का है। कुछ तकनीकी पेंच आने के कारण इसका भूमि पूजन नहीं हो पाया था। अब सरकार बदली तो स्थानीय कांग्रेस विधायक ने इस अस्पताल का भूमि पूजन अंचल के बड़े नेता और कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों करवाना तय किया। ये बात भाजपा को रास नहीं आई और इसी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताते हुए इसका विरोध करना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ता यहां पर जमा हो गए। जैसे ही ये कार्यकर्ता कटोरा ताल पर पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें रोक लिया और इसके बाद गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दी। पुलिस के समझाने पर भी जब ये कार्यकर्ता यहां से नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद पूरे स्थल पर अफरा तफरी मच गई। लाठी चार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हुए और पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा। 2 घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने मुरैना के भाजपा सांसद अनूप मिश्रा सहित लगभग 500 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के विधायक मुन्नालाल गोयल और पुलिस के देवेंद्र प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया और उनके साथ मारपीट की गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता है, जोर जुलूम के संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी का नारा है। बीच में कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट आ गए थे जिसके चलते कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको देखते हुए वाटर कैनन का प्रयोग किया गया था।